सुप्रभात बच्चों, तो कल मैंने आपको कैलाश सत्यार्थी जी जो समाज सुधारक व्यक्ति हैं उनके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया। भाषा की बात भी आपको बताई। आज आपका है पाठ 10, कलिंग विजय। ये सम्राट अशोक से संबंधित कहानियां हैं, कहानी है ये। और लेखक को ये कहानी लिखने का मेन उद्देश्य यही है कि हम में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर है, नहीं है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर हम में हिंसात्मक प्रवृत्ति है या हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रहा है तो उसे दूर करके और हिंसा के मार्ग पर हमको चलना चाहिए। हिंसा के मार्ग पर चल करके अशोक जो थे विजय के लिए लालायित, वो तो एक राजा थे ना, सम्राट अशोक, वो चाहते थे जैसे चीन है अभी विस्तारवादी नीति अपनाए हुआ है, इधर से हड़प लो इसका, इधर से इसका हड़प लो, इधर से इसका हड़प लो, चाहे उसके लिए जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट जितने भी लोग मरे मरे, तो ये हिंसात्मक प्रवृत्ति हुआ। अशोक के भी दिल में शुरुआती दौर में यही बात थी। राजा सम्राट अशोक बहुत पावरफुल शक्तिशाली राजा थे, इनके सैनिक भी बड़ा शक्तिशाली थे, बस दूसरे देश पर दूसरे कस्बे पे आक्रमण करके और उसके सैनिकों को मार देना और वो राज्य को अपने में मिला लेना, यही उनकी प्रवृत्ति थी। लेकिन एक बार की बात है कि जब इन्हें कलिंग के युद्ध में विपक्षी दल के बहुत सारे सेना मारे गए, लेकिन खून की नदियां बही हुई थी युद्ध भूमि में, और जब अशोक के सेना जीत गए तो इस खुशी का समाचार देने के लिए मंत्री जो है जो कि अशोक के पास गया, कहा कि महाराज हम लोगों की जीत हो गई है। राजा अशोक भी खुश होकर के कहे कि जरा चले युद्ध मैदान की ओर। युद्ध के मैदान में जब वो गए तो वहां की दारुण स्थिति को देखकर, वहां के क्या कहते हैं उसको, दुखद स्थिति, दुखद दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हो गया। किसी का सर झूल रहा है, किसी का सर अलग है, किसी का पेट कट के आधा हो गया है, खून की नदियां बह रही हैं। तो वो दृश्य देख करके और राजा अशोक को बहुत घृणा हुई अपने आप में कि आखिर ये इतने जो जाने गए हैं, कितनी माँ पुत्र भी
हुआ है, कितने पत्नियां के मांग की सिंदूर धुल गई है, कितने बच्चे अपने बाप के प्यार से अनाथ हो गए हैं, ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। सबसे बड़ा गुनहगार और दोषी मैं हूं। इसीलिए उनका मन एकाएक जो है सो कि उसी बैटल फील्ड में अचानक उनके दिल में चेंजिंग आया, परिवर्तन आया। उसके बाद उनके दिल में अहिंसा की भावना आ गई, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे, और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी उनको जो है सो कि जगने लगा। जीवों को देख करके उन्हें दया आने लगी, जो कमजोर वर्ग हैं, जो असहाय है, लावारिस व्यक्ति है, उसकी सेवा भाव भी उनमें जागृत हो गई। तो एकाएक चार चीज उनके दिमाग में आया, अहिंसा, प्रेम, दया, सेवा भाव, ये चार चीज उनके दिल में आया। तो भाव की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन किया गया। संगीत के भाव पूर्ण माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अब देखिए, यह एक कहानी है। अशोक की प्रेयसी का नाम रेखा था, रेखा की दासी नंदिनी थी, गायिका थी कलिंग की राजकुमारी, स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन, समय 201 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या। गायिका कहती है, तो सम्राट अभी यहीं आएंगे। नंदिनी कहती है, जी हाँ। गायिका कहती है, तो क्या सम्राट अभी यहीं आएंगे? तो नंदिनी कहती है, दासी, जी हाँ। फिर गायिका कहती है, मैं उनसे नहीं मिल सकती। नंदिनी कहती है, गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है कि नहीं? गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है, बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। गायिका कहती है, और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। गायिका का बाई ओर प्रस्थान, नंदिनी एक तरफ खड़ी हो जाती है और सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी का झुककर प्रणाम होता है। सम्राट कहते हैं, रेखा, जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे, चंडा शोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। चंडा शोक। रेखा कहती है,
मत। और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या है सम्राट, आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सकें। अब तो विश्व विजय हो गए, अब तो सबको जीत के अपने में मिला लिया, अब आपका शत्रु है कौन। अशोक मानो जाग कर ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन, गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडा शोक से कांपता है, आंख की किरकिरी की तरह खटकने वाले कलिंग भी मेरे ही हाथ में। रेखा कहती है तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट। उसको कहता है हाँ बैठते हुए, शिवा उसकी बहन की, उसकी बहन को शिवा को कहते हैं हाँ, कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नज़र से पड़े हैं, अशोक की नज़र से पड़े हैं कलिंग की राजकुमारी। हंसता है, सुना है अब तो बहुत भिक्षुणी हो गई, थोड़ा रुक कर आज न जाने क्यों मेरे हृदय में ओहड़ा सा छाया हुआ, रह रह कर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज रहे उठते, रह रह कर सहस्त्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है, रह रह कर बीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। रेखा मैं अपने आप को भूलने आया हूँ, कोई गायिका नहीं है। नंदनी कहती है जी वह तो अपने आप ही आ गई। रेखा कहती है उससे कहो कि सम्राट उसका मधुर गीत सुनना चाहते हैं। अब जो है जो कि नंदिनी जा कर के गायिका से कहती है, अब नेपथ्य में सुरीली आवाज में गाना जो है जो कि हो रही है, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागिरी, सजल पवन परस बिटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोम पल के चपल गति में कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी उड़ बहता वन वागड़ी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुरागरी। तो ये गीत गायिका अपने मधुर स्वर में गा रही है। अशोक गाना सुनकर के विभोर हो जाते हैं और गीत सहसा बंद हो जाती है। अशोक कहते हैं मानो स्वप्न से जागकर, वो बिल्कुल उस गीत में खोए हुए थे,
जब कोई चीज़ आदमी को बहुत प्रिय लगता है तो नींद नहीं आती है, लेकिन आँख बंद हो जाता है ना। जब गहराई में किसी चीज़ के ध्यान मग्न हो जाता है आदमी तो स्वतः आँख बंद हो जाता है। तो जब इनके कानों में वो गीत की आवाज़ आना बंद हो गया तो इनकी आँखें खुली और तब ये बोलते हैं, कितना सुंदर है, कितना मधुर है। एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता। क्या उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती हैं, वे सभी सुखी हैं। कौन जाने रेखा उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो, कौन जाने। पुनर्नेपथ्य से गाने का स्वर प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रही हो। अब दूसरी कहानी भी लगा गीत भी है, दूसरी गीत भी है। सुना मेरी बंसी वह तान, करुण उस गाथा के सोपान। बसंती वैभव का विस्तार सुना कैसे सागर के पार। सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नृप अतुल उदार। सुरभि सुमनों की उसका प्राण। गीत रुक जाता है। अशोक कहते हैं, रेखा स्वर बदला हुआ लग रहा है, तुम सुन रही हो। पहले जो गीत गाई है गायिका, वो स्वर नहीं मालूम पड़ता है। रेखा चुप है, फिर गीत चलता है। भ्रमर का सुनकर मधुर निनाद, गंध सापा मधुमय संदेश। पवन की चंचल लहरी ए पार कर अनजाने से देश। खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी वंशी वह तान। समझे, अशोक यह तो कहानी सी जान पड़ती है। ये जो गीत है इसमें आप लय दे करके गा रहे हैं, लेकिन ये तो कहानी की तरह लग रहा है। अशोक यह तो कहानी से जान पड़ती है। रेखा कहती, मुझे मालूम था कि यह गायिका चतुर है। अशोक कहते हैं, और सुने गीत दोबारा। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश। कहा प्रिय चलो हमारे साथ, और जीतो तुम देश विदेश। करो नव सुमनों का रस पान, सुना मेरी बंसी वह तान। फिर गीत कुछ देर के लिए रुक सकता है। अशोक उसके बाद
बैठता है। रेखा, लेकिन सम्राट या गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक कहते हैं उसके बाद ये गीत है कि कहानी है पूरा, इतना बड़ा कहीं गीत होता है। तो आज की पढ़ाई यही पर मैं स्थगित कर रहा हूँ। ये दो तीन दिन से पहले खत्म होने वाला ये एकांकी नहीं है। जय हिंद।